तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान रोहिंग्याओं का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है इस पर पलटवार किया है। मोइत्रा ने ट्वीट किया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है, ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। बता दें कि ममता के गोत्र वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि उन्हें तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो लिखते हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। ममता बनर्जी, अब आप बताएं कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है, उनका हारना तय है। उधर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा कि जो जनेऊधारी नहीं है उनका क्या। दीदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए AIMIM प्रमुख ने लिखा है कि जो लोग शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है, किसी भगवान के भक्त नहीं है या फिर कोई पाठ या चालीसा नहीं करते हैं, उनका क्या। ओवैसी ने आगे कहा कि सभी पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए खुद को हिंदू दिखाना जरूरी है, ये नियमों के खिलाफ है, अपमानजनक है और सफल होने वाला नहीं है। बता दें कि ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने मंदिर का दौरा किया जहां पुजारी ने उनका गोत्र पूछा तो उन्होंने कहा, माँ माटी और मानुष, ये मुझे मेरी त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर की याद दिलाते हैं। जहाँ पुजारी ने उनसे पूछा कि उनका गोत्र क्या है तो उन्होंने माँ माटी मानुष कहा था, वास्तव में वो शांडिल्य है।